एकदम साफ सुथरा दिखाई दे रहा है कि राम मंदिर के सिवा कोई मुद्दा ही नहीं है। मीडिया के अंदर जो छाया हुआ है सिर्फ राम मंदिर है यहाँ पर। ये कल मैं दो तीन दिन में मैंने देखा था कि यहाँ पर न्यूज नहीं लग रही है, यहाँ पर भजन मंडलियां आ रही हैं राम मंदिर के नाम पर सिर्फ। राम मंदिर मैं बार बार कह रहा हूँ नया मंदिर नहीं बन रहा है। राम मंदिर जो है ना ये बना है 140 करोड़ का आवाम जो है ना उनकी वोट का शक्ति से मिला है। बोलने वाला छछुंदर ही होगा, सुनिए, राम मंदिर पे बोलने वाला छछुंदर ही होगा, बाबर का औलाद होगा वो। मोदी बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले। योगी को गाली दो, सरकार के खिलाफ तानाशाही करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे प्रभु श्री राम मेरे बाप के खिलाफ बोलोगे मैं जबान खींच के निकाल दूंगा। ये सिर्फ डराने डराने के काम है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे पेरियार भी पैदा हुए हैं, यहाँ पे बहुत से लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने बहुत सी बातें की हैं, लेकिन आज माहौल ऐसा बना दिया है कि ऐसा नहीं बोलना, ऐसा ही बोलना है। मोदी फायदा उठाया, राम के जैसा पति किसको चाहिए, राम के जैसा भाई किसको चाहिए, राम के जैसा बेटा किसको चाहिए। फायदा उठाया 70 साल तक क्यों नहीं फायदा इन्होंने उठाया? इन्होंने तो 24-24 वकील खड़े कर दिए थे कि मतलब मंदिर बनना नहीं चाहिए। बात ये भी उठ रही है कि मोदी जी जो है वो चुनाव में 2024 में राम मंदिर का फायदा ले रहे हैं, राम मंदिर से ले रहे हैं, तो सबको दिखाई दे रहा है। पता नहीं आप मतलब एकदम साफ सुथरा दिखाई दे रहा है कि राम मंदिर के सिवा कोई मुद्दा ही नहीं है। मीडिया के अंदर जो छाया हुआ है सिर्फ राम मंदिर है यहाँ पर। ये कल मैं दो तीन दिन में मैंने देखा था कि यहाँ पर न्यूज नहीं लग रही है, यहाँ पर भजन मंडलियां आ रही हैं राम मंदिर के नाम पर सिर्फ। भजन मंडली मैं कह रहा हूँ सीधी सी बात है, अगर राम मंदिर पे टिप्पणी करने वाला कोई भी व्यक्ति होगा अपनी बातें हैं, धमकाने की बातें हैं, ये किसी तरह से ये बीजेपी का पूरा टैक्ट है। ये क्या बोल रहे हैं कि राम मंदिर पे बात मत करो, तो मैं मतलब मेरे देश में क्या चल रहा है मैं उस पर बात ना करूं, ये तो सीधी बात है। अरे तो बात करें ना, इन्होंने कभी टैक्स दिया, इनका जमीन गया या इनका कुछ हुआ? राम मंदिर सुनिए सुनिए, राम मंदिर सुनिए, अरे सुनिए एक सेकंड, ये ज्यादा ही सुनिए, ये ज्यादा ही देखे सरकार ने इनका ज्यादा ही शोषण कर रखा है, ये तभी परेशान है। दूसरा मैं ये बता देना चाहता हूँ कि राम मंदिर में 110 करोड़ हिंदुओं ने दिया है, ठीक है, राम मंदिर हमारे प्रभु का बन रहा है, जाएंगे हम दर्शन करने। सवाल ना सरकार बनवा रही है ना कोई संस्था बनवा रही है, दिक्कत तुम्हें किस बात की हो रही है? आप बात करो ना, और रोजगार पे बात करते हैं, आप महंगाई पे बात करते हैं, दूसरे मुद्दे ही नहीं, आप दूसरे मुद्दे पे बात करते हैं, नहीं करेंगे। राम मंदिर ये लेके आए, सुनिए, राम मंदिर ये लेके आ रहे, आप सुनिए, छछुंदर जैसी शक्ल लेके, सुनिए, छछुंदर जैसी शक्ल लेकर ऐसे लोग हमेशा से राम मंदिर का विरोध करते रहे। सर जब आप भीड़ बन के झूठे फैक्ट दिखाते हैं, जो ये क्यों बोला गया था हिटलर के टाइम पे कि अगर 100 लोग मिलके झूठ बोलेंगे तो सच ही नजर आएगा, तो आज यही हो रहा है देश में, 100 लोग मिलके झूठ बोलते हैं और सच नजर आता है। तुम सब 100 लोग हो और क्या, झूठ बता दीजिए, क्या झूठ बोला जा रहा है? सर देश में बहुत अच्छा रोजगार चल रहा है, मतलब पुलिस भर्ती हो रही है और सरकारी नौकरियां खूब मिल रही हैं, मतलब जो रोजगार है सरकार पैसे नहीं दे रही, सरकार जो है ना पैसा नहीं आता कहीं से भाई, अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो पता नहीं बिजनेस में कैसे तब्दील होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनको मालूम है। एक एक आदमी जो है 1000-1000 रुपए कमा रहा है यहाँ पे भुट्टा लगा के, पूछिए ना सारे जो बेच रहे हैं चीजें 1000-1000 रुपए कमा रहे हैं रोज के, पूछिए उनके साथ क्या मजबूरियां हैं। इतना ही टाइम पास करने से बढ़िया था रोजगार कर लेते, इनका इतना शोषण हो चुका है कि माइक पे सुनिए, 4 महीने से ये परेशान है। अरे टारगेट क्या कर रहा हूँ मैं तो साफ साफ बोल रहा हूँ, राम मंदिर पे बोलने वाला छछुंदर ही होगा, बाबर का औलाद होगा वो। कल भी झगड़ा करने के लिए मेरे पे बात करने के लिए आ गया था, मतलब चश्मा हरामी सुअर सारा कुछ बोलता है ये मुझे। रोजगार देश में है नहीं, भाई देखो हमारे बाप, सुनिए मैं कह रहा हूँ महंगाई पे रोजगारी पे बात करो, माइक पे ये राम के लिए ये आए ना, मैं नहीं आया, मैं ना राम पे बात नहीं कर रहे, पर मैं एक बात बता दूँ, हमारे प्रभु पर कोई भी उंगली उठाएगा मैं कहता हूँ तुम मोदी को गाली दो, योगी को गाली दो, सरकार के खिलाफ तानाशाही करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे प्रभु श्री राम मेरे बाप के खिलाफ बोलोगे मैं जबान खींच के निकाल दूंगा। ये सिर्फ डराने डराने के काम है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे पेरियार भी पैदा हुए हैं, यहाँ पे बहुत से लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने बहुत सी बातें की हैं, लेकिन आज माहौल ऐसा बना दिया है कि ऐसा नहीं बोलना, ऐसा ही बोलना है। यही माहौल ना, ये माहौल ऐसा ही रहेगा, जिसको डर लगता है वो पाकिस्तान का टिकट मुझसे ले और निकल ले यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, मैं ये मतलब ये यहाँ पे एजेंट है पाकिस्तान भेजने का सबको, ये बिल्कुल आप एजेंट है पाकिस्तान, एजेंट कह रहे हैं आपको, वो तो डर रहे, इतना डर रहे, बार बार आ रहे, डर डर डर।
मैं वही कह रहा हूँ, बाबर और औरंगजेब के जो राम से मत करो, सुनिए, पेरियार हो, बेरियार हो, टेरियार हो, केरियार हो, आई डोंट नो। मैं जानता हूँ ये देश की संस्कृति राम और कृष्ण और शिवाजी और महाराणा प्रताप की थी, और हम महाराणा प्रताप के वंशज है, हम शिवाजी के वंशज है, जो बाबर के वंशज है, जो मुगलों के वंशज है, कृपया करके पाकिस्तान और मंगोलिया की तरफ प्रस्थान करें। बिहार के शिक्षा मंत्री ने बयान दिया कि मंदिर जाए से जो सोच है वो गुलामी की हो जाती है। अरे वो शिक्षा मंत्री पहले ये तो देख ले वो कितना पढ़े लिखे हैं। बिहार में उन्होंने कितना स्कूल बना दिया, कितना उन्होंने रोजगार के साधन स्टार्ट कर दिए। सबसे पहली बात तो जो वहाँ का उप मुख्यमंत्री वो खुद 9वीं पास नहीं है, उसकी बात क्या करे, वो खुद मंदिर जाते हैं। और मंदिर जाना हमारा आस्था है। सुनो, राम जो है ना धर्म के लिए नहीं है, हमारा स्वाभिमान है और राष्ट्रीय प्रतीक है। राम के लिए हम लड़ रहे थे 500 सालों से, हमारे पूर्वजों ने लड़ा, हमने लड़ा, जीत के जब राम मंदिर बना रहे तो छछुंदर शकल ले आके राम मंदिर बन रहा, तो उससे क्या फायदा होगा? अरे हमें फायदा होगा ना, हम जाएंगे, आशीर्वाद हमें मिलेगा। तुम्हें तो बाबर का मिल ही रहा था, तुम लेके बैठो ना उसका आशीर्वाद, काय परेशान हो? क्या राम मंदिर का फायदा खाली मोदी जी को मिल रहा है, 2024 में मोदी जी फायदा उठा रहे हैं। देखिए राम मंदिर क्या रोल है भाई, आपसे पूछ रहा हूं, कह रहा हूं चुनाव में सबसे पहले आप पत्रकारिता क्या, कहां से आए हो सीखे? मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं लोग की बात कर रहा हूं। लोग की क्या बात कर रहे हैं? लोग ऐसा कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि मोदी फायदा उठा। राम के जैसा पति किसको चाहिए, राम के जैसा भाई किसको चाहिए, राम के जैसा बेटा किसको चाहिए? फायदा उठाया 70 साल तक क्यों नहीं फायदा इन्होंने उठाया? इन्होंने तो 24-24 वकील खड़े कर दिए थे कि मतलब मंदिर बनना नहीं चाहिए, मंदिर का दरवाजा खोलने वाले। भगवान का आशीर्वाद उसी को मिलता है जो भगवान की पूजा करता है, जो भगवान को गालियां देता है, जो भगवान, हाँ ये एसी रूम में बैठे रहेंगे, हीटर लगा के बैठे रहेंगे, उल्टा इल्जाम मोदी जी पर लगाएंगे। अरे आप क्यों पढ़े, कोई नहीं है टक्कर में, साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। ये तो न्याय यात्रा पे निकल रहे मोदी जी को रहेंगे, न्याय यात्रा करते रह जाएंगे, पर मोदी जी शपथ ग्रहण कर लेंगे, भारत माता की, भारत माता की, बंदे बंदे। हाँ तो न्याय यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी जी, उसको ले क्या लगता है आपको? बढ़िया बढ़िया काम, बढ़िया काम है, होना चाहिए, बढ़िया काम है। तो 24 में आ जाएंगे फिर राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी आने नहीं चाहिए, मोदी के साथ हम। अभी तो आप कह रहे न्याय यात्रा बढ़िया निकाल रहे हैं, वो काम बढ़िया रहेगा, राहुल गांधी जी आने चाहिए। राम मंदिर बनने को है और प्राण प्रतिष्ठा उसकी जोरों पर है, तो लोगों का ऐसा सवाल उठ रहा है कि मोदी जी राम मंदिर को लेकर चुनाव जीतने की प्रयास कर रहे हैं, राम मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट ले रहे हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, गलत बात है, मोदी जी को ऐसा बदनाम नहीं करना चाहिए। देखिए मंदिर, नया मंदिर कहीं नहीं बन रहा है। सबसे पहले तो मैं देशवासियों को बता देना चाहता हूँ कि नया मंदिर कहीं नहीं बन रहा है। ये हजारों साल से दबे कुचले मंदिर जो टूट तोड़ फोड़ दिए थे विदर्मी लोग, उसको तोड़ करके अपना स्टैंप डाल दिए थे, अपना स्टैंप मार दिए थे। 800 साल मुगल सम्राट, मुगल लोग जो है यहाँ राज किया, हमें मारा पीटा, हमें लूटा, हमें कहीं का नहीं छोड़ा। उसके बाद 200 साल तक जो है अंग्रेज हमें मारा पीटा, कूड़ा से मारते थे, सारा संसाधन को लूट करके, सारा संस्कृति को लूट करके अपना लंदन ले गया। उसके बाद अपने जो है ना वेस्टर्न स्टाइल हमारे नवयुवकों को सिखा दिया, उल्टा सीधा कपड़ा पहनना, टैटू उटू शरीर में गुदवाना, बदतमीजी से बात करना, काम नहीं करना, माँ पिता को सेवा नहीं करना, माँ पिताजी को बात नहीं मानना, आँख दिखाना, ये सारा उल्टा सीधा संस्कार हमारे नवयुवकों को, आज का मैंने हमारे युवा पीढ़ी को सिखा करके चले गए। अब उन्हीं का द्वारा बनाया गया, कांग्रेस के द्वारा बनाया गया, ह्यूम बोल के कोई व्यक्ति था वो, हाँ जो भी ह्यूम बोल के कोई व्यक्ति था वो, उसने बनाया था कांग्रेस पार्टी। 140 साल पहले बूढ़ी पुरानी पार्टी है एक कांग्रेस की सरकार, वो कांग्रेस सरकार जो है ना उनको भी 70 साल दिया गया, चांस दिया गया श्री राम प्रभु का मंदिर बनाने के लिए, लेकिन वो अपने कार्यकाल में भी मंदिर नहीं बना पाए। वो तुष्टिकरण की राजनीति करते रह गए, परिवारवाद की राजनीति करते रह गए, जातिवाद की राजनीति करते रह गए। तो अब जो है ना जनता इनका भेद खुल गया, जनता इनको नकार चुकी है, इनको कान पकड़ के 2024 में बाहर फेंक देगी। अगर नरेंद्र मोदी साहब, अगर उनके कार्यकाल में अगर मोदी मिला है, मोदी जी के द्वारा मिला है राम मंदिर, वो गए सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ जहाँ पेच फंस रहा था, जहाँ जहाँ तेल ग्रीस और मोबिल डालना था वहाँ डालें, और मैंने उसको जो है कूटनीति की राजनीति कर करके तब जा करके राम मंदिर मिला है मोदी की सरकार। कि हमने गेट खुलवाए थे, हमें बुलाया ही नहीं, विपक्षों को बुलाया नहीं, और हमने गेट खुलवाए थे राम मंदिर के। नहीं, गेट नहीं खुलवाए थे, वो 25 वकील की फौज खड़ा किए थे, गेट तो खुलवाए थे, तो कोई पांडे जी हैं बोल करके, वो जज थे, वो उनका कहनाम पर गेट खोला गया था, वो खुलवाए थे, वो कहाँ से खुलवाएगा? वो उनको कोई हनुमान जी आकर के रात में दर्शन दिए, कोई जज है वहाँ का उत्तर प्रदेश का पांडे जी, कोई उनको जो है ना
मोहन पांडे कोई नाम है उनका, वही उन्हीं को सपना दिए थे बजरंगबली, तब जो वो अपने आदेश से गेट खुलवाए थे उसका, राम मंदिर का। जी वो गलत अफवाह फैला रहे हैं, गेट उठ नहीं खुलवाए। चलो राम मंदिर सबके विश्वास हृदय की बात है, सब राम जी को मानते हैं, तो राम जी को जब सब मान रहे हैं सबके लिए, राम जी राम मंदिर बहुत जश्न की बात है, तो ऐसे में विपक्षियों को ना बुलाने किस हद तक सही है? अरे विपक्षी को बुलाया गया या नहीं बुलाया, उन जिनकी श्रद्धा हो जाए ना भैया, पुष्पक विमान थोड़ी भेजा जाएगा उसके लिए, डोली कार थोड़ी भेजा जाएगा, डोली कार किसी के लिए स्पेशल नहीं भेजा जाएगा। आपको श्रद्धा है श्री राम प्रभु में, आप जाइए, आपका सादर स्वागत है, क्योंकि राम श्री राम प्रभु सबका है, राम नाम सब जपे ठग ठाकुर और चोर सबको है भाम भैया, श्री राम प्रभु वो भगवान है, हमारे आदर्श है, इस देश का आत्मा है, तो आप जाइए और जा करके मत्था टेकिए श्री राम प्रभु को, वो किसी को मना नहीं करेंगे, आप जाइए उनका दर पर, लेकिन आपको भिखारी बन के जाना पड़ेगा, भगवा वस्त्र धारण करके जाना पड़ेगा, खाली पैर जाना पड़ेगा, और तभी आपका झोली में भीख मिलेगा, और अगर आप ताम झाम लेकर के जाएंगे, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से जाएंगे, तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब जो 22 तारीख को होने वाला है प्राण प्रतिष्ठा रहे, तो मुसलमानों को जो नेता है उन्होंने एक बयान दिया है, बोला कि सारे मुसलमान अपने घरों में रहे, 22 तारीख को बाहर ना निकले, कुछ भी हो सकता है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसे वो भड़काने के लिए बोल रहे हैं, इस टाइप से बोलेंगे नहीं, तो इस टाइप का अपनापन दिखा रहे हैं, वो अपनापन दिखा रहे हैं कि हम तुम्हारा शुभचिंतक हैं और तुमको जो है ना हम ही बेड़ा पार कर सकते हैं, तो इसलिए मेरे को वोट देना, देखो हम अभी इंडिकेट कर दिए तेरे को वहाँ वहाँ मार होगा, ये झूठ मूठ का ऐसे बोल करके डरा रहे हैं, ताकि ये देखिए इस टाइप का मिठाई लिमचूस अगर नहीं बांटेंगे अपना माने शुभ चिंतकों को फॉलोवर्स को, तो वो इनको जो है ना इन जैसे छुटभैये नेता को सिराखों पर कैसे बैठाएंगे, ये सिराखों पर बिठाएं इनका माने बात में इनका उंगली के इशारे पर नाचते रहें, इनके लिए क्राइम करें, इनके लिए लड़ें, इनके लिए लड़ने वाला भी होना चाहिए ना, क्योंकि एक नेता का जो है ना ये अस्त्र शस्त्र होते हैं। हाँ, तो ये लड़ने के लिए अपना फौज को है जो ना इस टाइप से बोल रहे हैं कि ये भाई हमसे चिपका रहे, हमारे पास रहे, हमारा इर्द गिर्द मंडराता रहे। तो आपको क्या लगता है मोदी जी को राम मंदिर का फायदा मिलेगा कहीं ना कहीं? लेकिन अरे राम मंदिर का बात नहीं है, ये राम मंदिर मैं बार बार कह रहा हूँ, नया मंदिर नहीं बन रहा है, राम मंदिर जो है ना ये बना है 140 करोड़ का आवाम जो है ना उनकी वोट का शक्ति से मिला है, ये राम मंदिर बना है आपकी राष्ट्र प्रेम से, ये मंदिर बना है आपका एक मंच पर आ जाने से, ये राम मंदिर बना है आपकी एकजुटता से, आपकी राष्ट्र प्रेम से, आपकी श्री राम प्रभु की आराधना से, आपका श्री राम प्रभु प्रति मान सम्मान से, इज्जत से, तभी ये बना है, और आप मोदी हम मोदी की सरकार को सपोर्ट किए तब जा करके हुआ, नहीं तो मोदी की सरकार के माने हमारी सपोर्ट के बिना मोदी सरकार कुछ नहीं कर सकता था। हाँ, विपक्षियों के बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि वो नया नहीं है राम मंदिर? अरे नया मंदिर नहीं है रे भाई, हजारों वर्ष पुराना मंदिर है, उसको रिपेयरिंग कर करके, उसको रिनोवेटेड इंग्लिश में बोलते हैं, रिनोवेटेड करके उसका एक एक ईंट को दूरबीन से खोज करके, गंगा जल और दूध से उसका शुद्धिकरण करा करके, राम मंदिर जो टूट करके बिखर गया था पूरा वर्ल्ड में, उसको एक एक ईंट को दूरबीन से खोज करके, गंगा जल और दूध से शुद्धिकरण करा करके, विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार करा करके, सोना का ईंट बना करके उसको वापस सजाने का काम मोदी की सरकार कर रही है, तो हम मोदी की सरकार को 400 पार वोट देंगे और बार बार मोदी की सरकार। अच्छा, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा बयान दिया, बोले कि मंदिर जाने से जो सोच है मानसिकता गुलामी हो जाती है। अरे ऐसा छुट भैया नेता बोलते रहेंगे अपना दाल गलाने के लिए, उनका कोई वजूद नहीं है, ऐसे ऐसे कई आए माने ऐसे ऐसे युग युग में जो है ना विधर्मी आते रहते हैं, और जैसे पहले के जमाना में यज्ञ को नष्ट कर देते थे, विध्न डाल देते थे, वैसे ही आज भी जो है ना इस टाइप का आते रहते हैं, और श्री राम काज को खराब करने के लिए कुछ माने विघ्न उत्पन्न करने के लिए, विघ्न उत्पन्न हो जाए जैसे ये काम ना हो, वो इस टाइप से बयान देते रहते हैं, क्यों पहले खून हड्डी वर्षा करते थे, अब तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि इनके पास जादुई शक्ति खत्म हो चुकी है, तो ये मुंह से ही अपना खून हड्डी बरसाने का काम कर रहे हैं। भारत माता की जय, जय श्री राम। धन्यवाद धन्यवाद भाई।